हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है? व्हेन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी इन यूवी रीजन और विजिबल रीजन, इट्स जंप मॉलिक्यूल फ्रॉम वन इलेक्ट्रॉनिक लेवल टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल, दैट इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस गिविंग राइज टू द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को राइज करता है। जब कोई मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी रीजन या फिर विजिबल रीजन के अंदर, तो वो जंप कर जाता है एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से किसी अनदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर। इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। क्या कह रहा है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में क्या पढ़ा है कि कोई मॉलिक्यूल्स जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से, मतलब वन इलेक्ट्रॉनिक लेवल टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर जंप कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी जिससे वो अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबिलिटी होने के कारण एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से अनदर इलेक्ट्रॉनिक, वन इलेक्ट्रॉनिक लेवल से अनदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर जंप करेगा। बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन कहता है जब भी मोशन की बात आती है, मोशन इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड बिटवीन न्यूक्लियई, तो न्यूक्लियई आर सेवरल टाइम हैवियर, जो न्यूक्लियस होता है वो सेवरल टाइम हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन से। इसलिए जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही पोजिशन के ऊपर स्टेशनरी होता है और इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मोशन में होता है। अज्यूम्ड दैट सिंस न्यूक्लियई आर सेवरल टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन यही कहता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो सेवरल टाइम हैवियर होता है देन इलेक्ट्रॉन से, जिससे देयरफोर न्यूक्लियई आर एक्सेप्टेड टू मूव मच मोर स्लोली। इसी कारण से जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस हैवी होगा तो हैवी होने के कारण उसका जो मोशन है वो स्लो हो जाएगा। न्यूक्लियई आर एक्सेप्टेड टू मूव मच मोर स्लोली देन इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, बहुत ही कम स्लो करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइट वेट है। लाइट वेट होने के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो फास्टली मूव करेगा एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस के। तो दोनों के दोनों, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन इलेक्ट्रॉनिक मोशन कहलाएगा, न्यूक्लियस का मोशन न्यूक्लियर मोशन कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर में भी स्टेशनरी, जो न्यूक्लियस है वो स्टेशनरी होता है, इलेक्ट्रॉन मूव एट मच मोर फास्टर स्पीड से ये मूव करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन यही कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक मोशन, जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है और एक होता है न्यूक्लियर मोशन, दे आर इंडिपेंडेंट ईच अदर, ये दोनों के दोनों एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है। बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन में हमने क्या स्टडी किया है, बोर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन यही कहता है कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आर हैवियर वेट देन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स आर द लाइटर वेट है, देयरफॉर न्यूक्लियस में भी स्टेशनरी, न्यूक्लियस स्टेशनरी होने के कारण न्यूक्लियर की जो स्पीड है वो मच मोर स्लोली होती है देन इलेक्ट्रॉन से। तो सो दैट इलेक्ट्रॉनिक मोशन एंड न्यूक्लियर मोशन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मे ट्रेंड सेपरेटली, जो जब हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी की बात करते हैं, हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को, इलेक्ट्रॉनिक मोशन को पढ़ा है न्यूक्लियर मोशन को, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन होता है उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी क्या होता है, जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता है, ये हमारे पास ऑल वाइब्रेशन, ऑल एनर्जीज का, ऑल एनर्जी के अंदर जैसे कि रोटेशनल एनर्जी का प्लस में वाइब्रेशनल एनर्जी और प्लस में ट्रांजिशनल, रोटेशनल वाइब्रेशनल ट्रांजिशनल और प्लस में हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक। इन ये जो चारों की चारों एनर्जी होती है, चारों एनर्जी का क्या होता है, सम पाया जाता है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि देयरफॉर इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी मे ट्रेंड सेपरेटली फ्रॉम द ट्रांजिशनल वाइब्रेशनल रोटेशनल होता है, वो सभी का सम होता है, ट्रांजिशनल का भी, रोटेशनल का भी और वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का। एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल सम, जो एनर्जी है वो सभी का सम होता है, लाइक द ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल का। एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल सम ऑफ ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। नेक्स्ट कहता है कि जो अपने पास ट्रांजिशनल एनर्जी होती है इज नॉट क्वांटाइज्ड, वेयर ऑल अदर एनर्जी आर क्वांटाइज्ड होती है, जो ट्रांजिशनल एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड नहीं होती है, ऑल जितनी
भी हमारे पास एनर्जी होती है वो सभी के सभी ट्रांजिशनल होती है। देयरफॉर हम यहाँ पे कहेंगे कि जो ट्रांजिशनल एनर्जी है इज़ नेग्लिजेबल होती है, या फिर हम इस ये वाली जो ट्रांजिशनल एनर्जी है ये क्वांटाइज नहीं होती है, और क्वांटाइज नहीं होने के कारण ट्रांजिशनल एनर्जी आर नेग्लिजेबल। ट्रांजिशनल एनर्जी को हम नेग्लिजेबल बोल देंगे, या फिर ये कहें कि ये एनर्जी इज़ वेरी स्मॉल होती है। स्मॉल होने के कारण अपने पास जो एनर्जी निकल के आएगी वो क्या होगी, रोटेशनल प्लस में वाइब्रेशनल, और प्लस में क्या होगा अपने पास इलेक्ट्रॉनिक। इन तीनों एनर्जी का क्या मिलेगा अपने को, सम मिलेगा। कब, जब हम ट्रांजिशनल एनर्जी को क्या मान लेंगे, नेग्लिजेबल या फिर स्मॉल मान लेंगे। उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होता है ये ऑर्डर होता है कि कौन सी एनर्जी कितना टाइम मतलब ग्रेटर देन होता है। तो जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का वो ग्रेटर देन होता है वाइब्रेशनल से, वाइब्रेशनल का ग्रेटर देन होता है रोटेशनल से। ये ऑर्डर है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी, जितनी भी अपने पास ये एनर्जी है इन सभी एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जो ट्रांजिशनल एनर्जी है ये सबसे स्मॉलर होती है, मतलब स्मॉल एंड नेग्लिजेबल के बराबर होती है, इसलिए हम इस एनर्जी को काउंट नहीं करते हैं। जैसे कि H2 हो गया, N2 का मॉलिक्यूल हो गया एक्सेट्रा, डू नॉट गिव द रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, नहीं शो करते हैं, बट फिर भी ये क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। डायटोमिक जो मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये क्या करते हैं कि रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा को शो नहीं करते, पर फिर भी ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को शो करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आता है नेचर, कि नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा का। नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंड स्पेक्ट्रा में हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है वो कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई मॉलिक्यूल वन लेवल टू अनदर लेवल के अंदर जाता है, या ये कहें कि मॉलिक्यूल व्हेन मॉलिक्यूल जंप फ्रॉम द वन इलेक्ट्रॉनिक लेवल टू अनदर इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर जंप करता है। इससे क्या होगा कि लाइट फ्रॉम विजिबल यूवी रीजन की प्रेजेंस में, ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन तभी होगी जब मतलब मॉलिक्यूल के ऊपर, जो मॉलिक्यूल रेस्ट पोजीशन के ऊपर है उसके ऊपर लाइट की फॉर्म में अपने पास विजिबल यूवी रीजन उसके ऊपर डाली जाएगी, तभी वो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जी को शो करेगा। अब इसके लिए ग्राफ आता है कि ग्राफ कैसे बनता है। ग्राफ आता है कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन या फिर विजिबल लाइट गिरी। गिरने के बाद ये लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल से कहाँ पे पहुँच गया है, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल के अंदर चला गया है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जब ये प्रोसेस हो रहा है उस टाइम पे ये जो मॉलिक्यूल है ये वाइब्रेशनल को भी शो करता है, रोटेशनल को भी शो करेगा और इलेक्ट्रॉनिक को भी शो करेगा। मतलब जो वाइब्रेशनल होता है अपने पास, जब मॉलिक्यूल लोअर लेवल से एक्साइटेड लेवल की तरफ जाता है तो वो वाइब्रेशनल लेवल को भी शो करेगा। वाइब्रेशनल जैसे कि V0 हो गया, V2 हो गया एंड V3 हो गया। अब साथ ही साथ इनके साथ मतलब V0 भी रोटेशनल एनर्जी को शो करता है। तो अब हम ये क्या कहेंगे कि जो अपने पास वाइब्रेशनल लेवल है V0 से V1, हमने इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर पढ़ा था कि वाइब्रेशनल लेवल के साथ साथ बहुत सारे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी शो होता है, मतलब बहुत सारे रोटेशनल लेवल भी क्या होते हैं, शो होते हैं ऐसे। ठीक है, एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक लेवल के साथ साथ एक वाइब्रेशनल लेवल के साथ साथ बहुत सारे रोटेशनल लेवल भी क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा आर लुक ग्रुप ऑफ द स्पेक्ट्रा, जो अपने को जैसे कि ये जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है ये कैसा दिखाई दे रहा है, एक ग्रुप ऑफ द स्पेक्ट्रा की जैसे दिखाई दे रहा है। जब कोई मॉलिक्यूल व्हेन मॉलिक्यूल जंप लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल टू हायर इलेक्ट्रॉनिक लेवल इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी रीजन अल्ट्रावायलेट यूवी रीजन या फिर विजिबल रीजन, तो इट कैन बी शो इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल रोटेशनल को भी ये साथ ही के साथ क्या करेगा, शो करेगा। एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल, मतलब जब मॉलिक्यूल वाइब्रेशन को शो मतलब जब मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा को शो करता है उस टाइम पे मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होगी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी भी होगी, वाइब्रेशनल भी होगी, प्लस उसमें क्या होगी, रोटेशनल एनर्जी भी होगी। टोटल एनर्जी होता है मॉलिक्यूल का। एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल में, जब कोई मॉलिक्यूल जैसे कि हमें पता है कि यहाँ से कोई मॉलिक्यूल है वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल के अंदर गया है, तो हमने क्या पढ़ा है कि इस मॉलिक्यूल ने मतलब जो मॉलिक्यूल है उसने किसको शो किया है, मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी को भी शो किया है, प्लस में वाइब्रेशनल एनर्जी को भी शो किया है, प्लस में उसने रोटेशनल एनर्जी को भी क्या किया है, शो किया है। ठीक है, तो जो ग्राउंड लेवल का है अपना उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक से।
एक्साइटेड लेवल में गए हम उसको शो करेंगे डबल प्राइम से, डबल प्राइम इलेक्ट्रॉनिक प्लस में डबल प्राइम वाइब्रेशनल प्लस में डबल प्राइम क्या हो गया अपना रोटेशनल हो गया। ये हमारे पास कौन सी मॉलिक्यूल की एनर्जी है जो ग्राउंड लेवल में प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल की एनर्जी है, ये अपने पास कौन से मॉलिक्यूल की एनर्जी है जो एक्साइटेड लेवल में प्रेजेंट है उस मॉलिक्यूल की एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ग्राउंड लेवल की अपने पास ये मिलेगी, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल जो एक्साइटेड लेवल में है उसकी हम एनर्जी को सिंगल प्राइम से हमने रिप्रेजेंट किया है। टोटल अपने पास एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेड माइनस में ग्राउंड लेवल की एनर्जी होती है, इसको हम घटा देंगे, टोटल एनर्जी क्या होती है, एक्साइटेड एनर्जी लेवल माइनस में ग्राउंड एनर्जी लेवल होता है। अपने पास टोटल एनर्जी क्या निकल के आया है, ये एक्साइटेड की है ये ग्राउंड की है, इनको हम माइनस करेंगे, अपने पास जो एनर्जी निकल के आएगी वो ये निकल गएगी, क्या निकलेगी, जब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल में से जब अपन लोअर इलेक्ट्रॉनिक लेवल को माइनस करेंगे तो डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक बचेगा, इसमें से यहाँ पे क्या बचेगा, डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक बचेगा, इसमें क्या बचेगा, डेल्टा ई वाइब्रेशन बचेगा, इसमें क्या बचेगा, डेल्टा ई रोटेशन बचेगा। तो अपने पास जो एनर्जी निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज ऑब्टेन, मतलब फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की हमें ऑब्टेन होगी जब हम उसके ऊपर प्लंक क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करेंगे। प्लंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि जो अपने पास एनर्जी होती है लाइट ऑफ द एनर्जी, वो पैकेट की फॉर्म में, जैसे कि कोई भी एनर्जी होती है वो किस किस की फॉर्म में पाई जाती है, पैकेट की फॉर्म में होती है, और पैकेट की फॉर्म में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, फोटोन ऑफ लाइट। ठीक है, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है अपने पास, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच म्यू होता है। अगर आपको म्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो डेल्टा ई अकॉर्डिंग टू द प्लंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग डेल्टा ई अपने पास क्या होता है, एच म्यू होता है, और यहाँ पे जो ये म्यू है इसकी वैल्यू क्या होती है, सी म्यू बार होती है। यहाँ पे अगर आपको म्यू बार की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा ई है, ये जो डेल्टा ई है ये यहाँ पे आ जाएगा, और जो एच सी है वो, मतलब यहाँ पे अपने को निकालना है, इसकी वैल्यू को निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी म्यू बार, हमें वैल्यू निकालनी है म्यू बार की, म्यू बार इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास, एच सी की वैल्यू आएगी, ये अपने पास निकल के आ गई है म्यू बार की वैल्यू। नाउ जो वैल्यू है डेल्टा ई की, यहाँ पे इस वैल्यूज, मतलब इस वैल्यू के अकॉर्डिंग म्यू बार अगर अपने को निकालना है तो डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशनल प्लस रोटेशनल, इस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे और अपने पास म्यू बार की वैल्यू आ जाएगी निकल, मतलब म्यू बार की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और एनर्जी को कन्वर्ट जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम, मतलब जूल में कन्वर्ट करने के लिए उसको वेव नंबर से डिवाइड, मतलब वेव नंबर में हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, जिससे जूल सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। जो ये इक्वेशन थर्ड है अपनी, ये इंडिकेट करती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पासिस वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा अप्रोक्सीमेशन। यहाँ पे जो वैल्यूज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक की, वाइब्रेशन की, जो इलेक्ट्रॉनिक की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, इलेक्ट्रॉनिक अप्रोक्सीमेशनल इक्वल होगा डेल्टा ई वाइब्रेशनल के, और डेल्टा ई जो वाइब्रेशनल है वो अप्रोक्सीमेशन इक्वल होगा डेल्टा ई रोटेशन के। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस इन द एक्साइटेड स्टेट सेम होती है एज इन द ग्राउंड स्टेट की। ठीक है, नो एप्लीकेबल चेंज बिटवीन इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, जो एनर्जी की वो लेस देन होती है बोन डिसोसिएशन वाली एनर्जी के। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल एनर्जी को ऑब्जर्व करता है तो वो ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल के अंदर चला जाता है, ये हमने मतलब डिस्कस कर लिया है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ये बनेगा। ठीक है, जब मॉलिक्यूल ग्राउंड से एक्साइटेड के अंदर जाता है, ठीक है, ग्राउंड से एक्साइटेड के अंदर कैसे जाता है वो देखो, यहाँ पे अपने पास एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ऐसे, ये क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये शो कर रही है वाइब्रेशनल लेवल को, इन वाइब्रेशनल लेवल के साथ बहुत सारे रोटेशनल लेवल भी एसोसिएट हैं। ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल के अंदर कंप्रेसिंग भी हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, कंप्रेसिंग हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है। जब इसमें कंप्रेसिंग हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, और इस मॉलिक्यूल ने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, अगर इस मॉलिक्यूल की एनर्जी
अगर 10% से ज़्यादा अगर आप इस बॉन्ड को स्ट्रेच करोगे तो बॉन्ड आपका जो मॉलिक्यूल है एटम की फॉर्म में टूट जाएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था अनहार्मोनिक ऑक्सीलेशन और सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशन के अंदर। ये हमने स्टडी कर लिया है कि जब आप मॉलिक्यूल को मतलब कंप्रेस कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, तब तक तो ग्राफ आपका इतना आएगा, ठीक है। अगर आपने उस बॉन्ड को 10% से ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया तो आपका बॉन्ड जो मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा और वो एटम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूल ब्रेक होने से पहले अगर आपका मॉलिक्यूल ब्रेक जा रहा है, मतलब आपका मॉलिक्यूल अगर आप उसको 10% से ज़्यादा स्ट्रेच करोगे और करोगे तो आपका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अगर आप अपने बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना चाह रहे हो और आपने उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया और उसको एनर्जी प्रोवाइड की तो वो ग्राउंड वाली स्टेट से एक्साइटेड वाली स्टेट के अंदर चला जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड के अंदर जाएगा। तो यही कहता है कि ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, मतलब जब ये प्रोसेस होता है उस टाइम पे ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड लेवल में जब कोई मॉलिक्यूल जाता है तो वहाँ पे उस कंडीशन के अंदर जो इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस होती है उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होगा। मान लो अगर कोई मॉलिक्यूल यहाँ से इस वाले लेवल से जा रहा है, मतलब इस वाले यहाँ पे उस मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा है तो मॉलिक्यूल गया यहाँ पे चला गया, ठीक है, मतलब उसने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को शो किया, ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड के अंदर चला गया, तो इस प्रोसेस के टाइम में ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी मतलब उसके इंट्रा न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है उसके अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, कोई भी चेंजमेंट उसके अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक पॉइंट तो ये था, आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब आपका मॉलिक्यूल मतलब ग्राउंड से एक्साइटेड के अंदर जाता है तो जो एक्साइटेड स्टेट वाला मॉलिक्यूल होता है इसकी जो एनर्जी होती है वो हमेशा स्मॉलर होती है देन डिसोसिएशन एनर्जी से। जब आप मॉलिक्यूल को इतना स्ट्रेच कर दोगे कि आपका मॉलिक्यूल स्ट्रेच होके मतलब आपका जो बॉन्ड ऑफ मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाएगा तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अगर आपका मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं हुआ, ब्रेक होने से पहले उसने इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को शो कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को उसने क्या कर दिया, शो कर दिया, तो यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल की जो वो इस बॉन्ड डिसोसिएशन वाली मॉलिक्यूल से क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन वाले मॉलिक्यूल से क्या है, कम होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो एनर्जी होती है एक्साइटेड स्टेट की वो लेस देन होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से, क्या होती है, ऑलवेज स्मॉलर होती है। यहाँ पे हम इनको शो कर देंगे V0, V1, V2, V3, V4, V5, ठीक है। आई होप हमने इसको थोड़ा सा, ये V0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये है 4, ठीक है। ये मॉलिक्यूल जब एक्साइटेड से ग्राउंड से एक्साइटेड में जाता है तो ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे शो कर रहा है तो ये 4th लेवल में यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस में इंट्रा न्यूक्लियर डिस्टेंस के अंदर कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। आज वाले वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया है, सबसे पहले तो हमने पढ़ाया है व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा क्या होता है कि जब कोई मॉलिक्यूल ग्राउंड से एक्साइटेड के अंदर जाता है तो वो स्पेक्ट्रा शो करता है। उन स्पेक्ट्रा के अंदर अपने पास वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा भी आता है, प्लस रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी आता है, प्लस में ट्रांजिशनल स्पेक्ट्रा भी होता है और साथ ही साथ उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा भी पाया जाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा है बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है। बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन कहता है कि जो स्पेक्ट्रा होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, न्यूक्लियस के कारण स्पेक्ट्रा शो नहीं होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो लाइटर वेट होते हैं और जो न्यूक्लियस होते हैं वो क्या होते हैं, हैवियर वेट के होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक मोशन, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फास्ट स्पीड से मूव करते हैं और जो न्यूक्लियस होते हैं वो मतलब वेरी स्लोली स्पीड से मूव करते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही पोजिशन के ऊपर स्टेशनरी होता है और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो फास्टली मूव करता रहता है उसके किसके अराउंडनेस, अराउंडनेस ऑफ द न्यूक्लियस के। अपना क्या था कि किस प्रकार से अपना इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा शो होता है, मतलब नेचर कैसा होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के नेचर में हमने पढ़ा है कि जब मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रा को शो करता है उस टाइम पे उसके साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा प्लस में वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा प्लस में उसके साथ रोटेशनल स्पेक्ट्रा भी क्या होते हैं, एसोसिएट होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमने ग्राउंड लेवल की एनर्जी और एक्साइटेड लेवल की एनर्जी को माइनस किया है जिससे हमने डेल्टा ई की वैल्यू को निकाला है और पे प्लंक क्वांटम थ्योरी को अप्लाई किया है। प्लंक क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो फोटोन ऑफ लाइट होता है, मतलब जो एनर्जी होती है
ट्यूबलाइट की फॉर्म में होती है, वहाँ पे फोटोन ऑफ लाइट होता है जिसको हमने एच म्यू से रिप्रेजेंट किया है। एच म्यू जो म्यू है इसको हम सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट और वेव नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे हम वेव नंबर को जब निकालेंगे तो डेल्टा ई अपॉन में एच सी की वैल्यू होगी। यहाँ पे हम डेल्टा ई की जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे और अपने पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा निकल के आएगा। एक टॉपिक और रह गया है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए। पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए, उसके लिए जो ये ग्राफ आएगा ये ऐसा आएगा। यहाँ पे ये जो होते हैं मतलब ये वाली जो लाइन, इससे जो नीचे पार्ट होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी ई बोलते हैं। डी ई क्या होता है, बोन डिसोसिएशन होता है। यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को मतलब जो वाई एक्सिस होती है उसके अलोंग पोटेंशियल होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगी। आर ई जो है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी आर जो है वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। आर ई जो है वो इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये इंडिकेट करती है वाइब्रेशनल लेवल को। जो यहाँ पे बीटा है इसके लिए जो फॉर्मूला है वो ये आएगा आपका, वी इज इक्वल टू DE इज़ द बोन डिसोसिएशन एनर्जी। बीटा यहाँ पे कांस्टेंट है, R यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, मतलब इसमें इतनी वाली एनर्जी में से आपने इतने वाले एनर्जी को माइनस कर दिया, R माइनस में R इक्विलिब्रियम जो कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। R इज़ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, RE इज़ द इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ये आता है पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, जिसका यूज़ हम फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के अंदर करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जब कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को शो, मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, साथ ही साथ उसकी जो एनर्जी होती है एक्साइटेड लेवल वाले की वो ऑलवेज स्मॉलर होती है देन पोजिशन वाली एनर्जी से, क्या होती है हमेशा स्मॉलर होती है। आई होप दिस वॉज क्लियर टू यू। एनी ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज़ पुट अप इन द कॉमेंट सेक्शन। Please like, share and subscribe to this my video. Thank you very much.